महाराष्ट्र के नासिक रोड रेलवे स्टेशन से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन 839 प्रवासी मजदूरों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को लाने का काम शुरू हो गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकारों के अनुरोध पर प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और अन्य लोगों के लिए अब तक 5 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। यह ट्रेनें हटिया से लिंगमपल्ली, अलुवा से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया तक चलाई गईं। गृह मंत्रालय ने बुधवार 29 अप्रैल को प्रवासियों, मजदूरों, श्रमिकों, छात्रों, पर्यटकों सहित फंसे हुए लोगों की आवाजाही के लिए अनुमति प्रदान की। इस बीच लॉकडाउन 2 हफ्ते तक और बढ़ाया गया। मजदूरों के आने से पहले पुलिसकर्मी रेलवे स्टेशन के बाहर सामाजिक दूरी के लिए गोल घेरे बना रहे हैं। इसके साथ ही साफ सफाई भी की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र की बसें कल रात राजस्थान से कोटा में फंसे छात्रों को पुणे वापस ले आई। सभी छात्रों की सवार गेट बस अड्डे पर मेडिकल टेस्ट हुआ और उन्हें होम क्वारंटाइन रहने की सलाह भी दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।